नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की ताज़ा न्यूज है कि राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। शादियों पर 30 जून तक रोक। 24 मई से नया आदेश लागू। अब बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। सप्ताह में 3 दिन सोमवार से शुक्रवार तक मेडिकल, दूध, सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि अब की बार सख्ती को भी बढ़ा दिया गया है। सख्ती और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 2 दिन की जगह है 3 दिन के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। शादियों पर रोक 30 जून तक कर दी गई है। गृह विभाग ने इस बात के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है और मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से प्रभावी होगी। अब है कि किसानों के लिए क्या राहत की बात है। खाद, बीज और कृषि उपकरण, पशु चारा, किराना की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। ऑप्टिकल की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन से सुबह 6 बजे से 5 बजे तक बिक्री की अनुमति होगी। मंडियां, फल सब्जी और फूल मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेगी। ई मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यूज़ अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप ये भी बताइएगा कि आप किस जिले से है वो न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।